सीमावर्ती क्षेत्र में गत दिनों से विद्युत की अघोषित कटौती होने से आमजन व्यथित हो गया है। दिन में मात्र एक दो घंटा के बाद विद्युत कट लग रहा है। 132 केवी जीएसएस घरसाना का विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने से अनूपगढ़ से विद्युत सप्लाई की जा रही है, जिसमें बार बार व्यवधान पड़ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र पर विद्युत की कटौती से बीएसएफ जवानों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मूंग व नरमे की फसल धान मंडी में आ रही है। जिनिक फैक्ट्रियों व लघु उद्योग धंधों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विद्युत कट से स्वच्छ पेयजल की सप्लाई में व्यवधान होने से आमजन को जल योजना से पेयजल नहीं मिल रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष मंगत अग्रवाल ने भी विद्युत कटौती की समस्याओं के बारे में बताया है कि लघु उद्योग धंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विभाग के अधिकारी को शीघ्र विद्युत सप्लाई सुचारू करनी चाहिए। कनिष्ठ अभियंता मोहित शर्मा 132 केवी जीएसएस घरसाना ने बताया कि विद्युत ट्रांसफार्मर 25 मेगावाट का जल जाने पर अब हमारे पास 12.5 मेगावाट का ट्रांसफार्मर ही बचा है। घरसाना कस्बे की विद्युत सप्लाई को देखते हुए अनूपगढ़ जीएसएस से जोड़ा गया है। 132 केवी जीएसएस घरसाना 1995 में शुरू हुआ था, जिसकी लाइफलाइन भी समाप्त हो चुकी है। कभी भी सीमावर्ती क्षेत्र घरसाना में विद्युत का अचानक घोर संकट पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। मेरा नाम है मोहित शर्मा, मैं जेई पद पर हूँ, यहाँ पर कार्यरत हूँ 132 के वी जीएसएस घरसाना। ये देहिया क्लस्टर अनूपगढ़ के अंदर जीएसएस है और संडे को 8:45 शाम को रात को 20:45 पे ट्रांसफार्मर 20/25 एमपीए का ट्रिप हो गया था। फॉल्ट पे इंटरनल फॉल्ट है उसमें और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रिपिंग आई है उसमें। उसके बाद से वो ट्रांसफार्मर ऑफ कंडीशन में बंद है, उसको उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया गया है हमने। और प्रोटेक्शन की जो टीम है सूरतगढ़ से, उसकी प्रोटेक्शन जारी है, दिखवा रहे हैं। और साथ में हमारा जो दूसरा ट्रांसफार्मर है 10-10.5 मेगावाट का, वो हमारे पास सब 12.5 मेगावाट की कैपेसिटी बची है। तो पहले 37.5 की थी, अब वो 12.5 मेगावाट की कैपेसिटी बची है। तो वही कैपेसिटी से हम आगे सप्लाई दे रहे हैं, जो पब्लिक के परेशानी को ध्यान रखते हुए घरसाना जो टाउन है उसकी हमने उसको शिफ्ट कर दिया गया है अनूपगढ़ जीएसएस निकटतम जीएसएस से अनूपगढ़ भी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है उसको। और अभी प्रोटेक्शन की जो टीम है वो सूरतगढ़ से वो देख रही है, उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी और अभी कंटिन्यू है। हमारे पास उसकी तो कोई है नहीं, अगर वो अप्रूव कर देंगे उसको ट्रांसफार्मर की ऑन करने के लिए कि अगर वो सही कंडीशन में है तो उसको हम सप्लाई चालू रहेगी। हमारे संडे को शाम को लाइट गई, जो करीब 2 बजे लाइट आई और पूरी मंडी परेशान हो गई। मंडे को भी इसका कट रहा पूरा, ट्रिपिंग कर रही है बार बार। जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज वाले हैं, सीजन का टाइम है, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। लघु फैक्ट्री हैं वो भी दिक्कत आ रही है। सिटी में लाइट की बहुत दिक्कत आ रही है, कभी आ गई कभी चली गई। अभी ये आज पता लगा है कि ट्रांसमीटर जो है वो ख़राब हो गया है और अभी हमें नूपगढ़ से बिजली मिल रही है और इसके लिए आमजन को बहुत परेशानी हो रही है। कृपया करके जो भी इनके अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान दें। और मंडी में अव्यवस्था हो रही है लाइट के कारण, मारा मारी चल रही है, प्रशासन इधर ध्यान नहीं दे रहा। इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।